हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद से, क्योंकि जो लीक थी हमारी वो ख़त्म हो चुकी थी कल रात को, और हमें रात को 1:30 बज गया था वहाँ से निकलते हुए। तो अब हमने कर लिया अपना रूम चेकआउट, लाइक हम कर ही रहे हैं, अभी भी हम रूम में ही हैं, लाइक अब बस रूम चेकआउट कर रहे हैं और फिर हम लोग कुछ खाएंगे। क्योंकि मैं सच में बोल रही हूँ, मैं 2 दिन से ना मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली। कल भी हम लोग 1:30-2 बजे आए तो ना जोमेटो पे कुछ मिला और ना ही लोकल कुछ मिला। एंड में हार के हम लोग स्टेशन पे गए, वहाँ चाय और चिप्स अपने पे तो गाइज अब चलते हैं हम बाहर कुछ खाने, तो तुम भी हमारे साथ चलना। एक फ्लोर के लिए सिर्फ यहाँ के लिए लिफ्ट में आए हम सारे। तो गाइस हमने तो ये चेतन ने अभी एक कबूतर को पकड़ा है, वो कितना प्यारा है। क्रेडिट गोस्टू चेतन शेरावत। चेतन शेरावत, हाय बेबी। पंखा बंद कर दे बेटा। अरे उड़ा पानी भाई, हो उड़ा बच्चा। नहीं नहीं, पंखे पे लगा बच्चा। यो ये भाई कबूतर किडनैप कर लिए मानसी ने। सफेद होते तो पक्का ले जाता है। कहाँ जाएगा चेतन? क्या कर रहा है चेतन? कहाँ जाएगा? ये देखना किडनैप करके लेग पीस बनाएंगे इनका। ये मम्मी है। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल रहे हैं स्टेशन के लिए और बज रहा है अभी रात के 10:30। 11:20 पे हमारी ट्रेन चेकआउट कर रहे हो जाए। फाइनली एट द स्टेशन एंड जो हमारी ट्रेन है वो खड़ी हुई है यहीं पर ही। तो अब फटाफट से हम अपनी सीट देखेंगे और बैठ जाएंगे। पहले उठ ली गंदा शकल का। तो गाइस ये रही हमारी सीट। यो है रवि, ये मेरी सीट। और लकीली हमारी और भी टाइकोंडो के एथलीट्स यहाँ पे, ये भी हमारे अपने टाइकोंडो के बच्चे, इनकी भी सीट यहाँ पे। और आगे भी है, मतलब इसमें काफी सारे लोग, हम लोग टाइकोंडो के ही हैं। ऐसे कौन बैठता है भाई ट्रेन में? ऐसे कौन बैठता है? उठ गया, पता लग गया। कर लिया हमने रिकॉर्ड से जिस तरीके से बैठा था तू। फाइनली रीच दिल्ली, और दिल्ली स्टेशन पे हम लोग नहीं रुके क्योंकि जो ट्रेन थी वो बहुत लेट थी। तो हम लोग उतर गए गाजियाबाद के स्टेशन पे और अब हम पहुंच चुके हैं मेट्रो। गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं, और जिस मैं अभी घर वाली गली में हूं, कुछ सेकंड्स बाद मैं पहुंच जाऊंगी घर।
फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और मम्मी तो घर पे है नहीं। मम्मी गए खाटू शाम और ये जो है ये मेरा ऑर्डर आया था, देखते हैं क्या आया। तो मैं होंगी फ्रेशन अप, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा फील हो रहा है। मैं फटाफट से नहाती हूँ और कुछ खाती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो गैस मिलता है थोड़ी देर में। अब बना रही हूँ मैं चाय। इतने दिन घर से बाहर थी यार, घर की चाय की तो बात ही अलग होती है। और तुम्हें तो पता ही है क्या है, मैं चाय लवर। तो पहले बना रही हूँ चाय और नहा के आराम से पीऊंगी चाय। तो गाइस फाइनली मैं हूँ अपने कमरे में, अपने क्लीन ब्लैंकेट में, अपने क्लीन रूम। इतना तो साफ नहीं है रूम मेरा क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सफाई नहीं की, बिकॉज यू नो मैं बाहर थी सो चलता है। तो इतना अच्छा फील हो रहा है ना यार, बाहर टूर्नामेंट से आके अपने घर में आके बहुत सुकून मिलता है। तो लेट मी टॉक अबाउट द लीक, ठीक है, जहाँ पर मैं गई थी हैदराबाद में। तो जो लीक थी वो बहुत ही अमेजिंग निकली। लाइक उन्होंने जो स्टे का था वो बहुत अच्छा था, बस टूर्नामेंट का ना शेड्यूल बहुत बुरा था। लाइक 4 बजे स्टार्ट होना था तो वो 7-8 बजे स्टार्ट कर रहे थे और ख़त्म एक दिन तो टूर पहले दिन तो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ हमारा 12 बजे, सॉरी पहले दिन तो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ हमारा 10 बजे और अगले दिन टूर्नामेंट हमारा ख़त्म हुआ 1:30 बजे। तो इतना एग्जॉस्ट हो गए थे ना हम, तो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट डे फिर कैसे रेडी हुए। तो नेक्स्ट डे फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो जो मेरी टीम थी, हमारी टीम ने टोटल करी वहाँ पर 5 फाइट्स, जिसमें से हम लोग 3 फाइट जीते और 2 फाइट हारे। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया लीग खेलने में। और दोबारा जब भी लीग होगी मैं तो ज़रूर खेलने जा रही हूँ। एक्सपीरियंस भी मिलता है, अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, हमारे दोस्त मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। गाइस मैं तुम्हें भी ये एडवाइस दूंगी, अगर तुम्हें भी कभी मौका मिले लीग खेलने का तो तुम ज़रूर जाना, ठीक है। और हाँ, जो डिटेल्स मांग रहे थे, लीग खेलने के लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया। आपको बस उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आपकी अचीवमेंट्स के हिसाब से वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं। तो तुम्हें चांस मिलता है तो गो फॉर इट, जाना लीग खेलने एंड जस्ट रॉक देयर। तो गाइज हम तो आ गए थे घर, अब मैं आराम से थोड़ा आज मूवी देखूंगी, उसके बाद से व्लॉग एडिट करूंगी और तुम्हें जल्दी तक तुम्हारे पास ये व्लॉग डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि आई नो तुम बहुत वेट कर रहे थे इन व्लॉग्स का, क्योंकि मैं ही तो मीडियम हूँ यार तुम्हें हमारे टाइकोंडो से कनेक्ट करने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो टाइकोंडो से रिलेटेड तुम्हें और कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी, मैसेज मी और मेंशन इन द कमेंट्स। तो गाइज व्लॉग करते हैं आज का यहीं पर ही एंड। गुड नाइट गाइज, आई लव यू गाइज सो मच। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।